देश भर में इन दिनों चुनाव का बखाल देखा जा रहा है। जी हाँ, ये देखा जा रहा है कि भाई दोनों ही विपक्षी पार्टियां जो है चुनाव को लेकर अपनी अपनी नई नई पेशकश सामने लेकर आ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान इंदौर से चुनाव लड़े। जी हाँ, उनको लगता है कि अगर इंदौर से सलमान खान प्रत्याशी बनेंगे तो भाई ये चुनाव यानी कि इंदौर की सीट कांग्रेस के हाथ लगेगी, क्योंकि सलमान की फैन फॉलोइंग को देखते हुए कांग्रेस जो है ये दांव खेलना चाहती है। दरअसल अब तक सलमान खान ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है कि हाँ वो इंदौर से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, मगर हाँ आए दिन ऐसी खबर आ रही है कि इंदौर सीट से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो तमाम तरीके के उपाय ढूंढ रही है कि किस तरह से सलमान खान उन्हें हाँ कह दे। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा है, हमारे नेता सलमान खान इंदौर में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की पहले ही बातचीत कर चुके हैं। हालांकि सलमान के प्रवक्ता ने इस मामले में प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया, तो वहीं चतुर्वेदी ने कहा सलमान खान ने इंदौर में अपना बचपन बिताया है, उनके पिता वहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो चाल चल रही है ये देखना होगा कि क्या सलमान खान कांग्रेस के लिए इंदौर की सीट से खड़े होते हैं या फिर महज ये अफवाहों का सिलसिला है। नेक्स्ट आई न्यूज रूम की रिपोर्ट।